वेलकम टू आवर फूड रेसिपीज। आज हम दो तरह के कबाब बनाएंगे, पनीर कबाब और छोले कबाब। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पनीर कबाब बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में 50 ग्राम ग्रेटेड पनीर लिया है। अब पनीर में 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 1 टीस्पून फुदीना, 1 टीस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 3 टीस्पून हंग कर्ड, 4 के अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी को पीसकर बनाया हुआ पाउडर वो मिलाएंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून भुना हुआ चना दाल पाउडर मिलाएंगे। आप इसमें बेसन भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चीनी मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कबाब का मिश्रण बनके तैयार है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 स्टिक ली है। आप चाहे तो इसे आइसक्रीम की स्टिक पर भी बना सकते हैं और ऐसे टिक्की भी बना सकते हैं। अब सीख पर कबाब का मिश्रण लेकर अच्छी तरह से दबाकर कबाब बना लेंगे। इसको पैन में सेकना है तो दोनों तरफ से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे ताकि पैन में अच्छी तरह से सीख जाए। कबाब बनके तैयार है। अब हम इसको पैन में सेक लेंगे। कबाब को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें सीख कबाब सेक लेंगे। कबाब को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। कबाब अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम छोले कबाब बनाएंगे। छोले कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिक्सचर जार लिया है। अब मिक्सचर जार में 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के दरदरा पीस लेंगे। मिक्सचर को दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप बॉइल छोले मिलाएंगे। छोले मिलाकर इसको भी दरदरा पीस लेंगे। मिक्सचर पीस के तैयार है। अब मिश्रण को एक बॉल में ले लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट मिलाएंगे, 2 टेबलस्पून उबले हुए आलू, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। टेस्ट बैलेंस करने के लिए 1/2 टीस्पून चीनी मिलाएंगे। चीनी मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून भुना हुआ चना दाल पाउडर मिलाएंगे। आप यहाँ पे बेसन भी ले सकते हैं। अगर मिक्सचर ज़्यादा गीला हो तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। छोले कबाब का मिक्सचर बनके तैयार है। अब हम इसमें से कबाब बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी टिक्की बना ली है। आप चाहे तो इसे आइसक्रीम स्टिक में भी कर सकते हैं। कबाब बनके तैयार है। अब हम इसको सैलो फ्राई करेंगे। सैलो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है। पैन में तेल ले लिया है। तेल गरम हो गया है। अब इसमें
छोले कबाब रख देंगे और धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। हमारे छोले कबाब बनके तैयार हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब कबाब को सर्व कर लेंगे। पनीर कबाब को यहाँ पर मैंने केचप और हरी चटनी के साथ सर्व किया है और छोले कबाब को ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।